जनपद में रोजगार सेवकों को एक वर्ष से नहीं मिला मानदेय संकट। जागरण संवाददाता रामपुर। सरकार ने ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा योजना शुरू की थी। इसके तहत गाँव में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मजदूरों के काम पर नज़र रखने के लिए जनपद में 462 रोजगार सेवकों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही रोजगार सेवक ग्राम पंचायत में अन्य कार्य भी संभालते हैं। इसके बदले में 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, लेकिन जिले में एक साल से रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिल सका है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल कहते हैं कि भारत सरकार ने नरेगा में बजट का 3% प्रशासनिक मद से मनरेगा योजना में मनरेगा कर्मियों के मानदेय का प्रावधान किया गया है, जिसमें विकास खंड से लेकर जिले व प्रदेश स्तर तक खर्च किया जाता है। ग्राम पंचायत सेवकों के मानदेय देने के लिए विकास खंड में खर्च किए गए बजट में 4.5% प्रशासनिक मद को निकाल कर दिया जाता है, लेकिन खर्च बजट का 4.5% निकाल कर भी मानदेय शासन के अनुसार ग्राम रोजगार सेवकों को 6,000 रुपये माह के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा है। तो जिले स्तर पर मनरेगा के कार्य की प्रशासनिक मद को जोड़कर मानदेय दिया जा सकता है। यही नहीं, ग्राम रोजगार सेवकों ने मानदेय की डिमांड शासन स्तर पर भी की जा सकती है, लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है। विकास खंड में जो 4.5% प्रशासनिक मद निकाली जाती है, उस मद को विकास खंड अधिकारी मानदेय में कम देकर अपनी गाड़ी में डीजल व अन्य खर्चों के में इस्तेमाल करते हैं। जिला ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक लक्ष्मण प्रसाद कहते हैं कि मनरेगा कार्यों में 3% मद निकाली जाती है, उसी के हिसाब से ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय दिया जाता है। अगर मनरेगा काम नहीं होता है तो शासन से मानदेय दिलाया जाता है। किसी समस्या की वजह से मानदेय में देरी नहीं हो सकती। जय हिंद, जय ग्राम रोजगार सेवक संघ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जनपद में रोजगार सेवकों को एक वर्ष से नहीं मिला मानदेय संकट। जागरण संवाददाता रामपुर। सरकार ने ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा योजना शुरू की थी। इसके तहत गाँव में मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मजदूरों के काम पर नज़र रखने के लिए जनपद में 462 रोजगार सेवकों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही रोजगार सेवक ग्राम पंचायत में अन्य कार्य भी संभालते हैं। इसके बदले में 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, लेकिन जिले में एक साल से रोजगार सेवकों को मानदेय नहीं मिल सका है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल कहते हैं कि भारत सरकार ने नरेगा में बजट का 3% प्रशासनिक मद से मनरेगा योजना में मनरेगा कर्मियों के मानदेय का प्रावधान किया गया है, जिसमें विकास खंड से लेकर जिले व प्रदेश स्तर तक खर्च किया जाता है। ग्राम पंचायत सेवकों के मानदेय देने के लिए विकास खंड में खर्च किए गए बजट में 4.5% प्रशासनिक मद को निकाल कर दिया जाता है, लेकिन खर्च बजट का 4.5% निकाल कर भी मानदेय शासन के अनुसार ग्राम रोजगार सेवकों को 6,000 रुपये माह के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा है। तो जिले स्तर पर मनरेगा के कार्य की प्रशासनिक मद को जोड़कर मानदेय दिया जा सकता है। यही नहीं, ग्राम रोजगार सेवकों ने मानदेय की डिमांड शासन स्तर पर भी की जा सकती है, लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है।
विकास खंड में जो 4.5% प्रशासनिक मत निकाली जाती है उस मत को विकास खंड अधिकारी मानदेय में कम देकर अपनी गाड़ी में डीजल व अन्य खर्चों के में इस्तेमाल करते हैं। जिला ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक लक्ष्मण प्रसाद कहते हैं कि मनरेगा कार्यों में 3% मद निकाली जाती है, उसी के हिसाब से ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय दिया जाता है। अगर मनरेगा काम नहीं होता है तो शासन से मानदेय दिलाया जाता है। किसी समस्या की वजह से मानदेय में देरी नहीं हो सकती। जय हिंद, जय ग्राम रोजगार।